जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आगाज़ करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी हम चल रहे हैं DHA की तरफ, जहां पे जाके आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स में प्लाट वगैरह भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा वेलर कम्युनिटी अमना होम्स के नए नए शान आलीशान घर भी आपसे शेयर करेंगे। मेरे साथ हैं ये उसामा भाई, और अभी बस चल रहे हैं DHA की तरफ और उधर जाके आपसे शेयर करेंगे। अभी बस पहुँच रहे हैं DHA की तरफ और ये मेन हो जाएंगे एक नई दुनिया DHA के वर्ल्ड में। ये देख लें, DHA की एक और ब्यूटी देखें। ग्रीनरी को ग्रीन करने के लिए पानी लगाया जा रहा है मुख्तलिफ बार। मौजूद है भाई सेक्टर 3 में। ये देखिए मेन ऑफिस जो कि बन रहा है DHA का, इसके बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। और ये प्रोजेक्ट जो कि हमारे सेरीन होम का प्रोजेक्ट है C44, और उसके बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। अभी अंदर जाके आपको विजिट करवाते हैं। और ये देखें ये इसके गेट्स वगैरह की क्या बना रहे हैं अंदर, क्या अच्छा ग्रिल बना रहे हैं यहाँ पे, ग्रिल वगैरह बना। चलिए और अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा काम चल रहा है वगैरह का। मार्बल लकड़ी क्या हाल है, ठीक है? काम तो भाई चल रहे हैं यहाँ पे। काशिफ भाई को नहीं दिखाना व्लॉग में, बाकी सारे आ जाए ऐसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है चाचा, क्या हाल है? ठीक है। ये हम जल साहब, काशिफ भाई आपको दिखा दें। ये हैं काशिफ भाई, ये C44 भी यूनिट के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? क्या हाल है आपका? ठीक है। अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं काम जो कर रहे हैं। ये जबरदस्त फॉल सीलिंग का काम ये देख लें हुआ खड़ा है। मतलब ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हो चुका है। सब लेकिन क्या हाल है आपका? ठीक है। और इधर से देखें, वो तू की कर रहे हैं, क्या हाल है? ठीक है। पानी का ये देख लें भाई, इसका काम काफी हद तक हो चुका है और बस अभी चल रहा है। ये था C44 जो कि सेक्टर 3 में मौजूद है। अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है भाई सारा सेक्टर सी, और ये पड़े हैं सेक्टर सी के प्लाट जो कि कुछ ये देखें कि कंस्ट्रक्ट भी हो चुके हैं और कुछ जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं। तो अभी जनाब आ गए हैं अस्करी वेला कम्युनिटी में, जहां पे ये देख सकते हैं कि किस तरह के आलीशान यहाँ पे महल बनाए गए हैं, आलीशान घर बनाए गए हैं। और ये इसका बताता चलूँ तो ये बेसिकली यहाँ पे आर्मी को अलाट किए जाते हैं, और यहाँ पे प्राइवेट भी लोग हैं जो कि ये लेके रह रहे हैं। और अभी आ गए हैं अस्करी वेला नंबर 7 पे, और इसका अंदर का आपको दिखाते हैं क्योंकि ये इसका थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसके ये देख लें, और थोड़ा निज़ाम घर पर हुआ पड़ा है। अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं कि जो कि चल रहा है, फॉल सीलिंग का काम चल रहा है ऊपर, इसकी वगैरह का लकड़ी का ये देख रहे हैं। हाँ भाई,
यहाँ पे किचन डिज़ाइन किया गया और किचन से इस तरफ भी दरवाज़ा मौजूद है जो कि बाहर की जानब निकल जाता है। और यहाँ से देखें ज़बरदस्त, ये तकरीबन 30 मरला में मौजूद अस्करी विलास बनाए गए हैं, सेम डिज़ाइन के अस्करी विलास। और इस तरफ भी देख लें, ये देखें तो यहाँ पे एक रूम मौजूद है, ये लॉक किया हुआ है तो इस तरफ आ जाते हैं। ये यहाँ पे एक रूम मौजूद है और उसके बाद एक रूम है यहाँ पे मौजूद है, इसको तो फुली डेकोरेट भी किया हुआ है। वाह भाई, ये वॉशरूम हो गया। और इसके बाद इस तरफ सैन मौजूद है और उसके बाद ये रूम भी मौजूद है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, अभी फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। ये देखें, इस वॉशरूम मौजूद है और ये हो गया स्टोर। इस तरफ भी मौजूद है स्टोर रूम। और उसके बाद अभी बाहर का, और अभी बाहर की तरफ का दिखाते हैं आपको व्यू। और यहाँ से खड़े होकर, बालकनी से जब आप खड़े होकर देखें तो बाहर कैसा नज़र आता है नज़ारे, ये देखें भाई, यहाँ से फुल DHE को व्यू ले सकते हैं। ज़बरदस्त, ये आपका भाई जो कि अस्करी वेला कम्युनिटी में यहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं, वक्त मौजूद है वेला कम्युनिटी में। और यहाँ पे गोल्ड वेलाज जो कि एक ही तरह के सारे घर डिज़ाइन किए गए, आपको दिखाते हैं कि किस तरह आलीशान बनाए गए हैं। ये देखें, ये पीछे से यहाँ से शुरू हो रहे हैं, आ गए सेरीन होम के एक और प्रोजेक्ट 1352 प्लॉट नंबर, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, एक अच्छा एक कनाल में घर बनाया जा रहा है। ये देखें, ये सामने पार्क है और पार्क के बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट, कॉर्नर मकान जो यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये देखें, अच्छे मेटल्स की कंस्ट्रक्शंस की जा रही है, अच्छी यहाँ पे ईंटें लगाई जा रही हैं। और ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा इसकी 3D इमेज कि किस तरह का बनने के बाद ये नज़र आएगा। और एक कनाल में ये मकान बनाया जा रहा है। और इस तरह के प्लॉट और मकान अगर आप लोगों ने भी लेने हैं तो रब्ता कर सकते हैं। ये देखें, अभी मौजूद हैं हम इस प्रोजेक्ट में। ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने देखा कि हमने थोड़ा बहुत DHA को एक्सप्लोर किया।
मज़ीद भी डी एच ई की वीडियोज़ आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने मकान पे और उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आप लोग पसंद करेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है, ऐसे बने रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सलामत रहें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।